एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाँ दोपहर का टाइम है, 2:30 बजने वाला होगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, ये लोग भी खा चुके हैं और यहाँ पे गुड्डू लगी पड़ी है मेहनत करने में, क्योंकि जब भी कोई घर में इस तरह का नया सामान आता है तो बच्चे उत्सुक होते हैं कि ये तो सबसे पहले हमें ही ट्राई करना है। आज के बाद चाहिए कभी भी ना निकाले, लेकिन आज इसने इतने सारे संतरों का जूस निकाल डाला और अपने पापा को भी पिलाया, क्योंकि विपिन आए थे मेरा स्टॉक देने के लिए। मेरा नया स्टॉक आया है, माल आया है, तो वो देने के लिए आए थे क्योंकि मुझे चाहिए। आज अगर मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तब जाके मैं कल उसको पब्लिश कर पाऊंगी, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर संडे के दिन जाएगा तो बहुत मुझे रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं। गुड्डू भी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है वीडियो रिकॉर्ड करवाने में भी, और जब ऑर्डर चलते हैं तो उनको लिखने विखने में भी काफ़ी हेल्प कर देती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि संडे को हो जाए और मैं दिखाती हूँ इसने जूस निकाल लिया, कितना निकला है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आपको मैंने दिखाया था ना कल हम लेकर आए हैं राशन में, ये वही वाला है। हाँ जी, ये इनकी टिफिन आप लोग कहते होंगे ये रश्मि यहाँ क्यों रख लेती है, कि इतने सारे टिफिन हो जाते हैं ना किचन में, टिफिन ही टिफिन दिखते हैं। तो मैं इनको सूखने के लिए यहाँ रख देती हूँ। अब ये दोबारा धुलेंगे क्योंकि इन पे छींट छांट तो गई होगी। तो ये है ये मशीन, इसको पकड़ के रखना है, लूज है ना। और ये काफी सारा जूस निकला है भाई, थोड़ा सा मम्मा को भी दे दी ना। अरे वाह, एक सप्ती नहीं पड़ेगी, मैं तो अभी नहीं पीऊंगी। मैंने दही के साथ पुलाव खाया था, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ नहीं होता, रख देना कुछ हो गया तो। नहीं कुछ नहीं होने का, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं मग गई तो नहीं हो, नहीं ऐसे झूठा नहीं करते ऊपर से ना ना ना, झूठा नहीं करते गुंदी बात। तन्मय को पिला सिर्फ, तन्मय ने दही नहीं खाई, ओनली राइस खाया था उसने। मेज पे सामान कम बिखरा पड़ा था, जो ये तुम शीशा पिला के यहाँ रख दिया वहीं रख दो जहाँ जगह पे प्लीज। और ये धनिया रखा हुआ है यहाँ पे, इसका मुझे पाउडर पाउडर बनाना है। अरे नहीं छेड़ रही, ये गाय को दिया तो काफी अच्छी है ये मशीन ना, बढ़िया है। प्राइस तो मुझे नहीं याद, लेकिन क्योंकि सारे सामान का एक साथ प्राइस हुआ था ना, बिल हुआ था इसलिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, मांजूंगी अभी, बर्तन नहीं है ना और हो जाए बर्तन। ये यहाँ पे भी ढेर लगा पड़ा है, इनको भी हटाना है सूखने के बाद। तो मैं अब क्या करती हूँ, इसमें ना थोड़ा सा इनके लिए नमक वगैरह डाल देती हूँ। यहाँ से समेटा वो बर्तन, मांजा, गुड्डू ने मांजा वो, मैंने नहीं मांजा, मैंने यहाँ से समेट दिया सारा, वरना मक्खियाँ मक्खियाँ। नमक से दिल बना दो, हल्का सा नमक से दिल बना दो, इसका तो पता नहीं ध्यान ही कहाँ होता है। हल्का सा जीरा पाउडर, कड़वा मत कर देना, काली मिर्च है, हम मीठे के लिए कुछ नहीं डालेंगे। कड़वा, हल्का सा नमक, हल्का सा नमक, ये बन जाएगा। अब हम जूस की क्या करेंगे, रोज निकाल निकाल के निकालना पड़े मुझे पड़ेगा। वैसे ही मुझसे जिद कर रही है, मैंने कहा जाओ पी लो तुम दोनों, कि मम्मी थोड़ा सा तो पी लो, मैंने बनाया है, अपने पापा को भी पिला के भेजा। पी लो, पी लो, चम्मच से पी लेती हूँ एक, नहीं इतनी बड़ी। वैसे ही काफी बड़ा है, कम से कम 250 ग्राम का होगा, काफी जूस निकल गया उनमें से, वो छोटे छोटे वाले जो। तो मेरा हाथ कट गया, बैंडेड लगा, बैंडेड नहीं लाया तू इसके लिए, मैंने कहा पापा के नाम से लिया। देखो जैसे मेरे को भी लगी थी, मजा आ गया, इतना सब याद ने। तो तुम दोनों पियो ना, तुम दोनों पियो ना, मुझे लगी थी, देख लीजिए यहाँ पे क्या काटा था आपने। चल गुड्डू पी, इसे बीज जा रहे हैं गुड्डू, पहले बीज निकालना, पहले बीज निकालना, फिर उसका वो करना, ठीक है। लेना पड़ेगा, मैंने तुझे कहा था कि पहले से छान ले दोबारा से उसमें डाल के। मैं तो ऐसे करूंगी, अभी भी उसमें ऐसे ही घूम रहे बीच छोड़ छोड़ ऐसे ही घूम रहे। मम्मी की जगह पे आ गई, मैंने तुझे कहा था फिर भी तू मानती नहीं। टेस्टी है, ये बार बार अड़ रहा है ऐसा है, इसी मैंने निकाला है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पी लूं, नहीं लूंगी मम्मी, मम्मी मम्मा भाई को
किसके भाई को? मैं थप्पड़ मार दूंगी, दे रही हूँ। मैंने बनाए थे दोपहर के खाने में नमकीन चावल, वैसे मेरे ससुराल में इनको खिचड़ी कहा जाता है, तो ये नमकीन चावल पुलाव, वेज पुलाव, तहरी, बहुत सारे लोग अपनी भाषा में नमकीन चावल जिसमें अलग अलग नाम लेते हैं। तो मैंने इसमें मटर डाली है, सोयाबीन की बड़ियाँ डाली हैं, गोभी डाली है, आजकल तो देखो जो सीज़न चल रहा है उसमें आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो, और भी जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो भी डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वो डाल दी थी। और इसकी डिटेल में रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बूंदी के रायते के साथ या फिर सब्जी का जो रायता होता है मतलब प्याज टमाटर खीरे का, उसके रायते के साथ ये एकदम लाजवाब लगता है, कभी ट्राई करना। और इनकी अगर डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही इजी होती है मेरी हर एक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो लोग ट्राई करते हैं उनको पता है। तो अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। तो अभी मैं इन सारे कामों से फ्री हुई हूँ, ये जो वीडियो है क्योंकि पर्दे में से ना रोशनी आती है तो इसलिए मैंने वो ढका हुआ है, वहाँ बहुत अजीब सा फिर वीडियो बनता है। तो अभी ये सारे कामों से मैं फ्री हुई हूँ, देख रहे हो पूरा कमरा, अभी ये समेटना है, लेकिन ये मैं और विपिन मिलकर समेटेंगे। ये वाला जो सूट का वीडियो है कल जाएगा संडे को रश्मिस कलेक्शन पे। और अभी मैं जो है फ्री हुई वहाँ से निमटी, तो ये कपड़े वपड़े उतार के लाई हूँ, ये करूँगी, और गुड्डू ने भी मेरी हेल्प की सूट के वीडियो में, अभी ये कपड़े में भी हेल्प करेगी, तो अपने कपड़े छाटेगी, अपने अलग रखेगी, और जो हमारे हैं वो मैं रख लूँगी, जो इसके हैं या ड्रेस है वो ये कर लेगी। और इसने सिर्फ नाश्ता ही किया था जो कि लेट किया था, कल सर वॉश होगा, तो इसको मुझे चावल देने हैं, चावल खाएगी, खिचड़ी बनाई थी मतलब पुलाव वो दूंगी, खाती नहीं है ये सब्जी वाले, पर इसने मेरे साथ एक बाइट खाई तो मम्मी दो जल्दी दो अब दे दो, क्योंकि उस टाइम मैं बिजी थी, उस टाइम इसको खाने नहीं थे, और मुझे लगभग एक डेढ़ घंटा लगा होगा, तो अब कह रही है दे दो क्या। तन में मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, थप्पड़ लग जाएगा खाली हाथ जो आओगे, मम्मी चिल्ड्रंस डे पे आओ क्या दिलवाओगे, बात नहीं कर रही है जो तो बहुत बुरा होगा, मारेगा नहीं मैं बताती हूँ, मम्मी चिल्ड्रंस डे पे आप क्या दिलवाओगे, बात नहीं कर रहेंगे वहाँ खाली हाथ जो आओगे, बात नहीं मम्मी को कृष्ण प्लस के अंदर बिठाएंगे, किसके अंदर, किसके अंदर, कृष्ण क्रॉस के अंदर, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, ये कहते रहते हैं आप किसका बर्थडे आ रहा है, आप किसका आ रहा है, मैंने कहा मेरा बर्थडे आएगा सबसे पहले, तो ये गाना है ना इंस्टाग्राम पे सुन रही थी मैं, तो फिर मैंने कहा ये गाना ऐसे हो सकता है, अब विपिन को भी बोलूंगी, चलो कपड़े रख दिए, हाँ दे रही हूँ, उधर के पर्दे लगा दे वहां का ताकि फैला हुआ ना दिखे ना उस रूम का, तो मैंने कर दी तन में अभी ट्यूशन से आया, खिचड़ी दे दू, हाँ रेडी है तन में, तो अभी मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सी पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये वाइट ग्रेवी पनीर कह लो या काली मिर्च वाला पनीर कह लो, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, लेकिन है बहुत टेस्टी, तो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी, इसीलिए पहले ही बनी हुई क्लिप पहले लगा दी ताकि आप इंटरेस्टेड हों तो देखें। तो यहाँ पर हम रेसिपी शुरू करते हैं, तो ये पनीर ले लिया है, मेरे साथ एक गड़बड़ ये हो गई थी कि पनीर जो था मेरे पास वो दो दिन पहले का था, मतलब रात को आया था परसों, तो कल मैंने इसको फ्रिज में पानी में भिगा कर रख दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना इसके पीसीस कटने में बहुत दिक्कत आ रही थी, एकदम जो कटता है ना वो अच्छा रहता है, तो मैंने ये पनीर काटा, चलो मैंने कहा बनाना तो है ही सोच लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल ली है, और उसके बाद ये मैंने ली है दो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इनको मैं क्या करूँगी इमाम जस्ते में कूट लूँगी, अगर आपके पास पेस्ट है अदरक लहसुन का तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये है दही जिसको मैंने छन्नी में इस तरीके से छोड़ रखा था ताकि इसका पानी निकल जाए, प्योर दही एकदम जो गाढ़ा दही होता है बिना पानी वाला वो हमारे पास बचे, तो वो मैंने टांग रखा था आधे घंटे से, तो उसका पानी निकल गया है लगभग, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है दही। उसके बाद मैं इसमें रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ, और इसमें हल्दी का यूज़ नहीं होगा, वाइट ग्रेवी रखनी है हमें इसकी, और लाल मिर्च का भी रंग लाल लाल लाने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो ये मिर्च डाल ली है। उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ लगभग एक चम्मच के करीब बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल हाथ से इस तरीके से मसल के तब मैं इसमें डाल रही हूँ। पनीर मैंने सोचा कि एक बार को मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि ये पनीर ना बहुत ही वो हो गया था, अजीब सा हो गया था, मतलब
पानी में डुबो के रखने की वजह से ना छिछड़े छिछड़े से उड़ रहे थे, पर मेरा मन था कि आज ये रेसिपी ट्राई करनी है, सुबह से सोच रखा था तो बनानी, फिर मैंने बनाई। तो यहाँ पे मैंने ये जो पेस्ट बनाया है ये मैंने इसमें डाल दिया है, जिसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। मैंने जो इसका रेसिपी देखा, वो मैं ये नहीं कहूँगी मैं खुद से बना रही हूँ, मैंने देखी है ये रेसिपी, तो उसमें उन लोगों ने क्रीम यूज़ की है, लेकिन मेरे पास तो क्रीम नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं मलाई डाल लेती हूँ और कुछ चीज़ें मैंने अपने पास से ऐड कर दी इसमें। तो अभी जो है मलाई डाल के और ये सारी चीज़ें जो डाली थी इनको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ क्योंकि मेरा पनीर इस टाइम पे जो है बहुत ही नाजुक हुआ पड़ रहा है, टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं उसके। जैसे ही मार्केट से पनीर आता है आप उसको बनाते हैं तो वो अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप उसको पानी के अंदर डाल के रख देते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस तो पानी में रखने के बाद का ऐसा ही रहता है हमेशा। अब आप लोग बताना आपका कैसा रहता है। मिक्सचर को मैं आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और आधे घंटे बाद मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। और फिर आपको क्या करना है, आपका पनीर ऐसा नहीं होगा तो आपको सिर्फ पीसेस पीसेस निकालने हैं पनीर के और उनको हल्का सा फ्राई करना है। नॉन स्टिक पैन में कीजिएगा, स्टील वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें चिपकेगा, लेकिन मेरे पनीर की हालत आपको पता है कैसी हो रखी है, तो मेरे पीसेस नहीं निकल रहे थे जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से डालना पड़ा। पीसेस पीसेस होते तो सिर्फ पीसेस पीसेस रखने थे और उनको हल्का सा आपको गोल्डन ब्राउन सा करना है, ठीक है। तो मैंने तो फिर इस तरीके से ही डाल दिया क्योंकि सारों में पनीर पनीर टूटा टूटा हो रहा था। तो अब जो इसमें पानी सा होगा ना, ये आप देख रहे हैं, ये मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, मतलब भून लूँगी थोड़ा सा पनीर को, लगभग एक डेढ़ मिनट तक या दो मिनट तक। उसके बाद ये जो पनीर सा पानी सा हो रहा है ये मैं निकाल लूँगी किसी कटोरी में और इसको छौंक में डाल लूँगी। तो इस तरीके से इसको होने देते हैं। और उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, यहाँ पे जो है दो चम्मच घी डाला है और साथ में अभी जो मक्खन है वो भी मैं इसमें डालूँगी। जो ये सब्जी बन रही है ये बहुत ही क्रीमी टाइप वाली होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप बनाकर देखना, एक डिफरेंट टाइप का आपको टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं अभी मक्खन डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत मसाले, जिसमें मैंने बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, लौंग ली है। और उसके बाद इनको भून लूँगी थोड़ा सा, लगभग एक मिनट के करीब। और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है जिसमें काजू है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और प्याज है, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च ये सब का हमने बनाया था, और काजू। तो पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट कढ़ाई में डाल लिया है। और उसके बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसको भुनने देंगे। अभी जार में लग रहा था ना तो मैं जार से निकाल रही हूँ, तो सारा जार से निकालने के बाद इसको मिक्स करके मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसको जो है आगे का काम शुरू करेंगे। इसमें टमाटर यूज़ नहीं होगा, टमाटर यूज़ नहीं करना है इस वाली सब्जी में, कितनी अच्छी बात है, सिर्फ यहीं तक की मेहनत है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। इसको ग्रेवी को अच्छे से बस पकाना है आपको, भूनना है आपको। तो ये देखिए ग्रेवी काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, तो जो उसमें जो हमने मैरिनेट तैयार किया था पनीर के साथ करके रखा था, पता नहीं गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करना, तो मैंने उसको क्या किया कि इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ऐसे करके डाल दिया है। अब जो हमारा पनीर में भी पानी पानी सा हुआ था ना, वो भी मैंने कटोरी में रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें ही इस टाइम पर डाल दूँगी। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है अगर पनीर से पानी पानी अलग हो जाए तो। तो अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, हल्दी नहीं डालनी है इसमें, नमक डालूँगी, जीरा पाउडर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालूँगी, अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर भी डाल लेना, मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने शुरू में जब पनीर को मैरिनेट कर रहे थे, मसाला बना रहे थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया कूट लिया था काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ये शिमला मिर्च, क्योंकि मसाले से बहुत अच्छे से तेल निकल चुका है, खूब मैंने ग्रेवी को जो मसाला है ये खूब पकाया उसको, कढ़ाई की हालत देख के समझ रहे होंगे आप। तो अभी शिमला मिर्च डाल के इसको फिर से दो ढाई मिनट तक रखना है सिम आँच पे, और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। तो पानी भी डाल सकते हैं आप और दूध भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं पानी डाल रही हूँ, मैं दूध नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें पानी डालने के बाद इसको चेक कर रही थी कि कितनी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि वो और पानी जा सकता है तो मैंने थोड़ा और पानी डाला। तो आपको अपने हिसाब से रखनी है, वैसे मेरी जो ग्रेवी थी बिल्कुल परफेक्ट थी इस टाइम पे, इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा तरी वाली नहीं चाहिए हमको,
तो ये देखिए तेल भी ऊपर अच्छे से आ रहा है और पक चुका है, लगभग इसको 2 मिनट हो चुका है। तो अब जो भी हमारा पनीर वगैरह था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको कर दूंगी मिक्स। और इसको जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए मैं इसको गैस पे रखूंगी, क्योंकि पनीर को आप ज़्यादा पकाओगे तो वो च्युइंगम की तरह खिंचने लगता है, उसमें स्वाद नहीं रहता है, फूल जाता है वो। तो सिर्फ 1 मिनट ग्रेवी में डाल के मैं मीडियम आँच पे इसको पका रही हूँ और सब्जी हो गई है तैयार। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। बस थोड़ा काम ख़राब हो गया था पनीर की वजह से, क्योंकि पनीर पानी में रख दिया था तो वो बहुत ही मैस मतलब हाथ से ना टूटे जा रहा था। तो आपका पनीर भी ऐसे करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप उसको पानी में रखते हैं तो वैसे करता होगा। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी मैंने बाउल में निकाल ली थी, शिमला मिर्च डाल दी थी मैंने। वैसे मैंने जो रेसिपी देखी थी इसकी वाइट ग्रेवी वाली की, इसमें शिमला मिर्च नहीं जाती है, लेकिन मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो कुछ डाल देते हैं। बन चुकी है और इनको टेस्ट करवाई, टेस्टी बनी है। ये वाइट ग्रेवी वाला पनीर शिमला मिर्च मैंने इस तरीके से बनाया है, मैंने भी टेस्ट की, फर्स्ट टाइम ट्राई की है, तो मैंने कहा मैं टेस्ट करूँ, पहले देखूँ कैसी बनी है, क्या पता ये लोग मेरा दिल रखने के लिए अच्छा बोल रहे हैं। इन सबको पसंद आई, फिर मैंने टेस्ट की, बहुत टेस्टी बनी है। काफी लेट हो गई हूँ आज खाना के लिए, क्योंकि मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी, करीबन 8-10 दिन बाद बाहर निकली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठ कर आते हैं, मतलब वैसे वाला बाहर किसी के पास बैठना, वैसे जा रही हूँ डॉक्टर वॉक्टर के इनके साथ, वैसे वाला नहीं कह रही, गाँव में भाभी के पास बैठने। तो इसलिए मैंने कहा आज निकल जाते हैं, बेशक ले तो कल संडे है तो आराम से हो जाएगा। तो बस रोटी बना रही हूँ और इन लोगों को परोसती हूँ खाना। शिमला मिर्च कहाँ लेगी, वो पनीर पनीर दे दो, ये खा दे। बच्चों ने खाना खाया, उनको बहुत पसंद आया। और अगर कोई चीज़ बच्चों को पसंद आती है घर में बनी हुई नई चीज़, तो बस समझ लीजिए कि वो सब्जी पास हो चुकी है। तो बच्चों को इतनी पसंद आई कि सब्जी बची ही नहीं, दोनों चट कर गए। और विपिन को भी बहुत पसंद आई, तो बहुत अच्छा लगा। मेहनत सफल हो जाती है जब घर में सबको कोई नई चीज़ बनाओ पसंद आती है। वैसे सब्जी बनी भी टेस्टी थी। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।